वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 9 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक आपका है सर्किल। टॉपिक आपका सर्किल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्किल। अगर सर्किल के बारे में आपको ज्ञान हो जाए तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब सर्किल में यही देखा है, एक सर्किल है, इसमें एक सेंटर होगा, इसका एक कार्ड होगी, एक कार्ड हो सकती है, दो कार्ड हो सकती है, तीन कार्ड हो सकती है, चार कार्ड हो सकती है, जितना चाहो उतने कार्ड भी हो सकती है। लेकिन सब कार्ड को निकालने के लिए यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस भी होता है, ये भी सही है, और सेंटर से इसको जो मिलाती है लाइन वो रेडियस होती है, इसको आर से काउंट करते हैं। ये पूरा ये दोनों दो भाग में डिवाइड भी होता है, ये थ्योरम है, ये प्रूफ हो चुका है। मीन्स अगर ये निकालना है तो इस हम ये 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री अगर बन गया तो वहाँ पे हम तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके चाहे बेस निकालना होगा, चाहे हाइपोटेनस निकालना होगा, चाहे उसका परपेंडिकुलर निकालना होगा, कोई भी चीज़ निकालना होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी पर कुछ क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन ए सर्किल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कार्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कार्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये कहा है, और बहुत ही क्वेश्चन इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कहा है कि एक सर्किल है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे इसको आप ड्रा करते जाएंगे। बस अगर उसको इसी तरह से ड्रा करते जाओगे तो वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। गिवन में, गिवन इसका एक सेंटर ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, वो इसका सेंटर है सर्किल का। चलिए एंड ए बी इज ए कार्ड, कार्ड ए बी इसका कार्ड, जो कि ए बी इसका कार्ड, तो ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 सेंटीमीटर। यहां तक देखिए स्टूडेंट आपको पता हो गया, और सेंटर से ये जो कार्ड है, सेंटर से जो कार्ड ये दी गई है, ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसका है, इसका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस के साथ 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसका हो गया। इसके बाद डिस्टेंस, अब इसमें देखिए और आगे क्या कहा है, एक दूसरी कार्ड और है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है 5 सेंटीमीटर, ये ओ है,
अदर अदर कार्ड अदर कार्ड सीडी एट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। यहां से इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो अब हमें ये बताना है कि इस कार्ड का लेंथ कितना होगा। तो कार्ड का जब लेंथ हमें बताना है तो ऐसे डायरेक्ट तो बताया नहीं जा सकता है, इसके लिए आपके पास बहुत से फार्मूले हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया तो स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको यहां से मिला दीजिए और इसको यहां से मिला दीजिए। ये जानते हो कि जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर ही होती है, जितनी भी डिस्टेंस होती है सारी डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होती है। इसका डिस्टेंस पता है, इसका भी डिस्टेंस पता है, लेकिन इसका क्या नहीं पता है, यहां से यहां तक पूरा 10 है तो ये दो बराबर भागों में बंट जाती है। मीन्स अगर पूरा 10 है तो आधा रह कितना हो जाएगा 5। अब एक साइड और निकालना इसका हाइपोटेनस का, और हाइपोटेनस जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम पर लगता है। तो चलिए अब यहां से देखिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ में ये करेंगे, पहले हम रेडियस को निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल OMA, OMA ट्रायंगल को ले लिए एंड यूज पाइथागोरस, पाइथागोरस हम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस देखिए जब हम यूज करेंगे तो पाइथागोरस के लिए बेस चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस हमारा 90 डिग्री के सामने होता है, ए ओ स्क्वायर हो जाएगा। ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एम एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ ओ एम स्क्वायर। ये तो हो गया पाइथागोरस। जो जो चीज आपको पता है इसी में पुट कर दीजिए। तो ए ओ स्क्वायर की वैल्यू आपको पता नहीं इसलिए छोड़ दीजिए। एम स्क्वायर की वैल्यू आपकी है 5 का स्क्वायर प्लस OM, OM के OM की वैल्यू है 12। इसको सॉल्व करिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा 144। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 169। मीन्स AO इज इक्वल टू 169 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13। AO इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी रेडियस जो आ गई 13 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हम एक क्रम बना करके देखिए यहां तक पहुंच गए। अब अगर ये हम पहुंच गए तो इसमें देखिए दो साइड दिया गया मिल जाएगा, तो तीसरी साइड को हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। आप बहुत आसानी से निकाल सकते। अब वो देखिए कैसा ट्रायंगल बना, हो क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अगर बना है तो इसमें भी पाइथागोरस लगा दीजिए। अगेन अगेन ट्रायंगल NOC यूज पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस का यूज कर लीजिए। तो पाइथागोरस का जब यूज करेंगे हम तो इसमें फार्मूला बन जाएगा इसका OC square is equal to OM square plus NC square।
स्क्वायर मींस अब इसकी वैल्यू है 13, ON की वैल्यू है 5 प्लस NC की वैल्यू हमें निकालना है। इसका हो जाएगा 69 इज इक्वल टू 25 प्लस NC स्क्वायर मींस 169 माइनस 25 इज इक्वल टू NC स्क्वायर मींस NC स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब इसका रूट निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा रूट इसका 12 सेंटीमीटर मींस ये हो गया इसका 12 सेंटीमीटर। अब हमें पूरे कार्ड की लेंथ बताना है। कार्ड CD, CD इज इक्वल टू होता है CN प्लस ND, CN प्लस ND, CN 12 है ये भी 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए कार्ड CD की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।